देहरादून में लगातार जारी भारी बारिश से तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी का तेज बहाव। कटरा में जारी मूसलाधार बारिश, अचानक बाढ़ के बाद रोकी गई यात्रा, तेज बहाव में फंस गए थे कई यात्री। जम्मू कश्मीर के कटरा से वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू की गई है। कल रात बारिश के कारण यात्रा रोक दी गई थी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, मकलोडगंज और धर्मशाला को जोड़ने वाली सड़कें बंद। ओडिशा के पुरी में घरों और दुकानों में घुसना शुरू हुआ बाढ़ का पानी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की लोगों से अपील। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी। प्रयागराज में बढ़ा गंगा और यमुना नदी का जलस्तर, संगम घाट के आसपास के निचले इलाकों में भरा पानी। झारखंड के खूंटी में नदी पर नहीं बना पुल, समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी गर्भवती महिला, पेट में ही गर्भवती महिला के बच्चे की मौत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के इब्राहिम पटना में फेरी घाट पर एक छात्र डूबा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में बड़ी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में दो श्रद्धालुओं के दम घुटने से मौत, जन्माष्टमी के मौके पर चल रही थी मंगला आरती। श्रीकृष्ण जन्मोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान श्रीकृष्ण को झूला झूलाते दिखे योगी आदित्यनाथ। दिल्ली के बिरला मंदिर में लगा भक्तों का तांता, कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर में दिखी भव्य सजावट। कोयम्बटूर में लोगों ने जमकर मनाया जन्माष्टमी का त्यौहार, झूला झूलते हुए नजर आए भगवान श्रीकृष्ण। कोलकाता में भक्ति गीतों पर लोगों ने किया डांस, इस्कॉन मंदिर में भारी भीड़ दिखी। पाली में श्रद्धालुओं को लेकर रामदेवरा जा रही ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी, 7 लोगों की मौके पर ही मौत, पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पाली हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। गाजियाबाद में एक महिला को बुरी तरह पीटता दिखा एक शख्स, पिटाई का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जान बचाने के लिए इधर उधर भागती दिखी महिला। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पोल से बांधकर चोर की पिटाई, चोर से कराई गंदी नाली को साफ, उसके बाद उसका सिर मुंडवाया गया। मुरादाबाद में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन, ट्रेन रोककर जमकर बवाल काटा गया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 2 आतंकी गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुए आतंकियों से पूछताछ में मिली थी जानकारी। आतंकी सैफुल्ला मामले में बिहार जाएगी यूपी एटीएस की टीम, रिश्तेदारों और दोस्तों से की जाएगी पूछताछ, राज्यों के कई युवाओं के संपर्क में था सैफुल्ला। बिहार के चंपारण में दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर 3 हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के सुपौल में एसएसबी के 45 बटालियन के एक जवान ने खुद को गोली मार ली, वीरपुर का रहने वाला था चिमला विष्णु। पुजारी गिरिराज शर्मा आत्मदाह मामले में परिजनों को दी जाएगी 10 लाख की आर्थिक सहायता, 2 डेयरी बूथ देने पर भी बनी सहमति, कल होगा पुजारी गिरिराज का अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने छापेमारी के बाद मीडिया से बातचीत की, कहा अधिकारियों ने पूरे घर की तलाशी ली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सीबीआई को देंगे पूरा सहयोग। मनीष सिसोदिया ने खुद को बताया ईमानदार, कहा कि हम कट्टर ईमानदार लोग, केंद्र सरकार सीबीआई का कर रही है दुरुपयोग, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मनीष सिसोदिया के घर से निकली सीबीआई अधिकारियों की टीम, 14 घंटे तक डिप्टी सीएम के घर पर चलती रही छापेमारी की कार्रवाई। मनीष सिसोदिया के घर 17 अधिकारियों ने की छापेमारी, सीज के गए सामान को साथ लेकर गई सीबीआई टीम। सीबीआई टीम ने सिसोदिया के ईमेल का बैकअप लिया है, डिप्टी सीएम और उनके परिवार के मोबाइल फोन जब्त किए गए। सीबीआई अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के कार की जांच की है, गाड़ी से फाइलें और फोल्डर सब। शराब घोटाला मामले में छापेमारी के दौरान अधिकारी के घर से मिली गोपनीय फाइलें, आधिकारिक तौर पर अफसर को फाइल रखने की इजाजत नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर, मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, एफआईआर में सिसोदिया आरोपी नंबर 1। सीबीआई ने कई धाराओं के तहत मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, असिस्टेंट कमिश्नर पंकज भटनागर और आनंद तिवारी का नाम भी एफआईआर में शामिल। शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त को दर्ज की थी एफआईआर, कुछ शराब कारोबारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए गए। मनीष सिसोदिया पर आर्टिकल को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की सफाई, कहा हमारी रिपोर्ट राजनीति से प्रभावित नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर की गई निष्पक्ष रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में चावल मिल पर सीबीआई अधिकारियों की रेड, अनुब्रत मंडल की स्वर्गीय पत्नी और बेटी के नाम पर है चावल मिल। आज खत्म हो रही अनुब्रत मंडल की सीबीआई रिमांड, सोमवार को रद्द हुई थी अनुब्रत की जमानत अर्जी। पंजाब में 2000 करोड़ के टेंडर घोटाले पर बड़ा खुलासा, पंजाब सरकार की पूर्व मंत्री आशु पर जांच एजेंसी की नजर। आज हिमाचल के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा, कई इलाकों में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। आज रांची में कांग्रेस और जेएमएम विधायकों की बैठक, विधायकों को राज्य की बाहर न जाने के निर्देश।
राजस्थान में कानून व्यवस्था के हालात पर बीजेपी आज जयपुर में करेगी विरोध प्रदर्शन। सतीश पूनिया की अध्यक्षता में प्रदर्शन होगा। जालौर में छात्र की मौत मामले में एसआईटी का गठन, जोधपुर पुलिस ने जारी किया आदेश। हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी विधायक राजा सिंह समेत चार लोगों को हिरासत में लिया। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का सेट जलाने का है आरोप। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस में महात्मा गांधी की तस्वीर तहस नहस करने का मामला, राहुल के स्टाफ समेत कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। नू डीएसपी हत्याकांड में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, न्यायिक जांच के लिए आयोग का गठन, रिटायर्ड जस्टिस एलन मित्तल करेंगे जांच। ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों के पिच ब्लैक अभ्यास में शामिल होगा भारत, 100 लड़ाकू विमान और 2500 जवानों के साथ हिस्सा लेगा भारत। स्पेन के कैटालोनिया प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। चीन के किंगाई प्रांत में भीषण बाढ़ के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, अब तक 17 की मौत और 17 लोग लापता। और यूक्रेन के शहर खार्किव पर रूस ने एक बार फिर की बमबारी, हमले में एक महिला की मौत, रेस्क्यू में जुटा यूक्रेन का इमरजेंसी विभाग।